ब्रज में होली की धूम है, रंगों की फुहार है, मस्ती में झूमते लोग और राधा कृष्ण के रंग में रंगी मथुरा नगरी। होली के रंगों से सराबोर लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खुद कान्हा इनके बीच मौजूद हैं। होली का जिक्र होता है तो मन में बरबस राधा रानी और भगवान कृष्ण की छवि उभर आती है। 84 कोस में फैले ब्रज क्षेत्र के कणकण में राधा और कृष्ण का वास है और आज ब्रज मंडल का हर व्यक्ति खुद को अपने आराध्य के नजदीक पा रहा है। आज हम आपको ब्रज की होली की वही झलक दिखाएंगे। वैसे तो हर जगह की अपनी खासियत होती है, लेकिन जब हम जिक्र होली का करते हैं तो मन में बस राधा और कृष्ण की तस्वीर बनती है। हम मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में और कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ता है, हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो ब्रज क्षेत्र है वो 84 कोस में फैला है। 84 कोस में फैला हुआ ये क्षेत्र कण कण में अपने अंदर राधा और कृष्ण के नाम को समाये हुए है। यहाँ की एक अद्भुत छटा है, यहाँ का एक अद्भुत नजारा है, जो यहाँ पर आता है भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। होली के इस खास पर्व पर अक्सर देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और हम भी आपको दिखाएंगे ब्रिज में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पर होली के रंग किस तरह से। ब्रज की होली की खास बात यह है कि यहाँ होली एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 45 दिन तक चलती है और इसी होली के गवाह बनने देश दुनिया से लोग मथुरा पहुँचते हैं। उत्तराखंड से आई महिलाओं की ये टोली कान्हा के रंग में रंगी नजर आई। ब्रज की धरती पर जब आप आते हैं और होली बनाने के इन रंगों में घुलते हैं तो आपको एक चीज यहाँ की बहुत ज्यादा खास लगेगी, और वो खास चीज ये है कि यहाँ पर होली एक दिन या दो दिन की नहीं होती, यहाँ पर होली होती है पूरे 45 दिनों की। उन 45 दिनों में ब्रज की पूरी धरती में जो कि 84 कोस में फैली है, अलग ही धूम, अलग ही उत्सव और प्रेम का रंग दिखाई देता है। और इसी रंग को देखने के लिए, इसी रंग में घुलने के लिए जगह जगह से लोग यहाँ पर चले आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर देवभूमि से जुड़े लोग भी मौजूद हैं जो कि देहरादून से आए हैं। उनसे जानते हैं, समझते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस होली का वो आनंद ले रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती मंजू भंडारी। कहाँ से आए हैं आप? हम जोशीमठ बजनाथ से। तो आप जोशीमठ से आए हैं, किस तरीके से होली का त्योहार आप यहाँ पर मना रहे हैं और कितना अलग लग रहा है? देवभूमि भी है वो और ये कृष्ण की भूमि, कितना अलग लग रहा है यहाँ? बहुत मजा आ रहा है, हमने कभी सोचा नहीं था, बस देखा था हमने टीवी पे कि वृंदावन में ऐसे होली मनाते हैं, एक महीने पहले से मनाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी तो हमने सोचा इस बार यही। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी यूथ को लेकर। यूथ अभी श्री कृष्ण को कुछ फैशन में भी फॉलो कर रहे हैं, हमने देखा है इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग हो रहे हैं, और कुछ लोग भक्ति के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या मानती हैं, क्योंकि आप भी यूथ हैं, श्री कृष्ण से जुड़ने का सही रास्ता क्या है? शांति मिलती है, मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा शांति मिलती है कि मुझे एक तो मौका मिला यहाँ आने का, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा मुझे था बचपन से कि मुझे जाना है। अच्छा, जोशीमठ भी अगर हम उत्तराखंड की बात करें, देवभूमि है, ये कृष्ण की नगरी है, फर्क क्या दिखता है यहाँ पर? यहाँ कुछ अलग ही लगता है कि हम यहाँ पे जो अभी अपने वृंदावन में आ रखे हैं, अपना जो मन में रखा था कि हमने वृंदावन जाना है, तो आज हमने सचमुच में भी यहाँ पे दर्शन कर दिया है वृंदावन, वो गोकुल धाम और तुम्हारा मथुरा वन, सब जगह से बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा लगा बेटा, मैं पहली बार आई, मेरे नाम पीतामरी डबराल है, मैं चोपड़ाल गांव से हूँ, चम्मच से। बहुत अच्छा लगा बेटा, मैं बहुत पहली बार आई हूँ यहाँ। अच्छा, आप में से कोई गीत गा सकता है? कुमाऊनी में, गढ़वाली में, किसी को आता है? गढ़वाली में। सुनाइए, गढ़वाली में सुनाइए। फागुनी वा रंग भर लायो रे, फागुनी वा रंग भर लायो रे, खेलन आई राधिका गोरे, खेलन आई राधिका गोरे, फागुनी वा रंग भर लायो रे, फागुनी वा रंग भर लायो रे, खेलन आई राधिका प्यारी, खेलन आई राधिका प्यारी, काहे का की बनेवा, कहाँ से आई राधिका गोरी, कहाँ से आई राधिका गोरी, कना से रंग मंगवायो रे, कना से रंग मंगवायो रे, खेलन आई राधिका।
राधिका गौरी खेलन राधिका गौरी। मैं आई थी, मैं अक्टूबर में आई थी, सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे आई थी, पर मेरे को फिर भगवान ने डोरी बांधी, फिर मैं अभी आ गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और खास बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, देवभूमि के बारे में, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, कहा जाता है कि जब भी कहीं गाना बजाना, स्थानीय लोकगीत होते हैं, तो नाटी जो है कदम नहीं रुकते नाटी के लिए। और नाटी के लिए देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर जोश था कि यहाँ पर भजन गाए जा रहे थे, और उसके साथ ही यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने एक तरीके का नृत्य करना शुरू कर दिया, कृष्ण की भक्ति में झूमना इन्होंने शुरू कर दिया। आप कहाँ से आई हैं? हम भुवनेश्वर में। हाँ जी, भुवनेश्वर में। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ धरती पर आकर? ठीक लग रहा है। अच्छा, माता जी आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वर है। हाँ, अच्छा, इतनी उम्र हो गई है, लोग कह रहे हैं कि कृष्ण के मेरे बद्रीनाथ है और वहाँ घर जोशीमठ है। अच्छा, भीड़ भी यहाँ पर बहुत होगी, डर नहीं लगा कृष्ण की भक्ति में? इसने हाथ दिया तो मेरा हाथ था, मैं इसने कृष्ण की भक्ति में लीन है। अब ये तस्वीर देखिए जो आपका मन मोह लेगी। होली पर कृष्ण जन्मभूमि में उत्सव जैसा माहौल है, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का मंचन हो रहा है, और कृष्ण भजनों में झूमते लोगों पर प्रेम का रंग चढ़ गया है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हर कोई कृष्णमय नजर आ रहा है और होली के उल्लास में मगन है।
की ओर जा रही है। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है जो आज मैच में हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में होली का एक और रंग आपको दिखाते हैं। हर्ष उल्लास में डूबे लोग सब कुछ भूलकर थिरक रहे हैं। हर तरफ गुलाल उड़ रहा है। इस खास होली का साक्षी बनने के लिए लाखों लोग मथुरा पहुंचते हैं। इस समय हम श्री कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद हैं। होली के जो जितने भी दिन यहाँ पर चलते हैं, उन दिन कुछ इसी तरीके का हर्ष और उल्लास यहाँ पर देखने को मिलता है। गुलाल की होली यहाँ की प्रसिद्ध होली है, और जब तीसरे दिन लटमार होली होती है तो यहाँ पर गुलाल की होली भी खेली जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा मैदान है रंगों में सराबोर हो चुका है। हर ओर गुलाल उड़ रहा है, राधा कृष्ण के गीत और संगीत चल रहे हैं, भजन यहाँ पर चल रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पर लोग बेहद खुश झूमते नाचते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, और लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर आकर उन्हें अलग ही खुशी महसूस होती है। लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? अंकित। अंकित, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली से यहाँ पर सिर्फ होली बनाने आए? बिल्कुल जी, होली। अच्छा, जो लड़के होते हैं वो तो होली यू क्लब में जाकर बार में जाकर बनाते हैं, आप यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे प्रेम मंदिर है, यहाँ पे कृष्णा राधा जी का वो जो पूरे वाइब्स है ना होली की, एक्चुअली वो यहीं पे आ रही है मेरे को। और आप कहाँ से आए? दिल्ली से आए हम लोग। अच्छा, एक चीज बताओ, जो यूथ है वो वैसे तो क्लब में और बार में होली सेलिब्रेट करती है, आप लोग यहाँ पर? क्योंकि ये श्रद्धा भाव की है सब कुछ, और होली हमारे ब्रिज में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आ गया। कैसा लग रहा है यहाँ पर होली के? अब यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरे इंडिया में सबसे अच्छी होली यही मनाई जाती है, हाँ। कृष्ण लला के साथ, और बहुत ही आनंदमय यहाँ पे वातावरण रहता है, और इसी के लिए हम अलग अलग जगहों से यहाँ पे आते हैं मनाने के लिए, और हर बार आते रहेंगे। कृष्ण जी की वजह से ही फेमस है, इसलिए हम एक्चुअल होली देखने आए हैं यहाँ पे। आप कहाँ से आए हैं? MP। आप मध्य प्रदेश से आए, कैसा लग रहा है यहाँ होली? यहाँ बहुत बढ़िया लगा, अच्छा आनंद आया। इतना अच्छा लग रहा है इनको कि इनके बाल बनवाया कलर के लिए, कलर ना लगे बालों में। आप इनके रिश्तेदार? हाँ, हम इनके रिश्तेदार हैं। हमारे बड़े भैया है, हमारे दादा है, हमारा राहुल श्रीवास है, बढ़िया लगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की होली में और यहाँ की होली में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग बेहद खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। लोगों से और भी जान लेते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं आप? आगरा से। आगरा से आए, किस तरीके से होली का त्योहार मना रही हैं? अच्छा लगा हमारे। कितने लोग आए हैं आप साथ में? हम 6-7 लोग आए हैं। 6-7 लोग आए हैं, और यहाँ पर क्या कुछ अभी आपने एंजॉय किया, क्या कुछ देखा? अच्छा, सब कुछ देखा, अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, हर्षोल्लास यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं, आपको और आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं आप। जैसे जैसे ये देखिए पीछे किस तरीके से हर जगह जो गुलाल है वो छोड़े जा रहे हैं, लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये जो रंग है यहाँ पर, ये प्रेम के रंग इन्हें कहा जाता है, प्रेम के रंगों में देखिए सभी लोग यहाँ पर डूबे नजर आ रहे हैं। इससे खूबसूरत तस्वीर क्या हो सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर लोग बेहद खुश हैं, और देखिए हर तरफ बस गुलाल ही गुलाल उड़ रहा है, और ये वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। लोग यहाँ पर बेहद खुश हैं। आ जाओ, कहाँ से हैं आप? मथुरा से ही। यहीं से हैं? यहाँ पे रोज बहुत लोग आते हैं। मथुरा से। अच्छा, एक चीज है, आप लोगों ने जो पोशाक पहनी इसे क्या कहते हैं? लहंगा चोली। लहंगा चोली। सखियाँ जो है गोपी का। यस। अच्छा, आपको पता है राधा की सबसे करीबी सखिया कौन सी थी? उनकी गोपी सखी। हाँ, क्या नाम था उनका? रंगीली सखी और गोपाल सखी। और यही दोनों सखिया हमेशा नंदगांव में निमंत्रण लेकर जाती। आप कहाँ से आई हैं? मथुरा से। मतलब आप यहीं से हैं? तो यहाँ पर कैसा लगता है आपको माहौल? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। हम होली के चक्कर से आए हैं। ये देखिए लोग खुशी में झूम रहे हैं, लोग खुशी में यहाँ पर सराबोर हो रहे हैं, यही होली का त्योहार है।
होली के रंगों के बाद अब हम आपको ले चलते हैं कुंज गलियों में, जहां कई खास तरह के सामानों से दुकानें सजी हैं। इन तमाम चीजों को आप यादगार के तौर पर ले जा सकते हैं। जैसे जैसे सनातन का प्रेम और सनातन का रंग पूरी दुनिया में छा रहा है, तो क्यों ना हमने सोचा होली के इस खास पर्व पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जो गलियाँ हैं, जिन्हें कुंज गलियाँ कहा जाता है, वहाँ पर किस तरीके से जो चीजें हैं आपको मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर काफी समय से जब भक्तों की आमद ज्यादा हुई है, जब श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचने शुरू हुए हैं, तो वो यहाँ की गलियों की जो खास विशेषताएं हैं, जो यहाँ की चीजें हैं, उनको लेना पसंद करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी चीजें यहाँ पर, अगर आप आते हैं यानी कि यहाँ की दुकानों पर आते हैं, कौन कौन सी चीजें आप अपनी याद के साथ लेकर जा सकते हैं। देखिए, ये चंदन है और ये चंदन बेहद खास रहता है। अक्सर मंदिर में इसे इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा शुद्ध कार्यों में, पवित्र कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। लगातार भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ये पेड़ा है जो यहाँ का बहुत फेमस है, मथुरा के पेड़े आपने सुना होगा। आपको हलवाई की दुकान से भी यहाँ पर मिल जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ऐसे भी आपको प्रसाद के तौर पर मिल जाएंगे, जिनकी शेल वैल्यू यानी कि जो काफी समय तक रहते हैं। और बहुत सारी यहाँ पर खूबसूरत चीजें हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, बांसुरी यहाँ पर है। श्री कृष्ण बांसुरी जब बजाते थे तो पूरी जो प्रकृति है उनके कदमों में आ जाती थी। ये वही बांसुरी है, और जिन्होंने लड्डू गोपाल घर में रखे उनके लिए ऐसी यहाँ पर तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी, जो श्री कृष्ण के लिए या लड्डू गोपाल के लिए लोग चाहते हैं कि वो अपने घर ले जाएं। अच्छा, 45 साल से आप यहाँ पर दुकान कर रहे हैं, कुछ फर्क दिखा है यहाँ पर? बहुत फर्क हो गया है, जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले लोग बहुत कम आते थे, अब जैसे जैसे सनातन का प्रचार होता जा रहा है, जैसे जैसे लोग खुल के आ रहे हैं, वो यहाँ पे बाहर निकल के आते हैं, अपने परिवार को लेके आ रहे हैं, अपने मित्र मंडली को लेके आ रहे हैं, और अपने मिलने जुलने वालों को लेके आ रहे हैं। तुलसी की माला यहाँ पर बहुत ज्यादा चलन में है, लोग लड्डू गोपाल लेकर भी जाते हैं, और इसी के साथ एक चंदन भी होता है। जो चंदन कितने प्रकार के हैं यहाँ? चंदन तीन प्रकार के हैं, लाल सफेद पीला, तीन तरह के लोग लगाते हैं, उनको बड़ी खुशबू आती है, लोग उसका शुभ मानते हैं। अच्छा, जो विदेशी लोग हैं वो भी श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत ज्यादा लीन यहाँ पर दिखाई देते हैं। हाँ, हरे कृष्णा का यहाँ मंदिर है वृंदावन में, और वो सब हरे इस तरह के लोग आते हैं, विदेशी लोग, और वो सब उनको चीजों को पसंद करते हैं, और रुद्राक्ष की माला पसंद करते हैं। मैं निःशुल्क सेवा करते हैं सब भक्तों की, जन्मभूमि पे, और हमें 30 वर्ष हो गए भक्तों की सेवा करते हुए। क्या मिलता है भक्तों की सेवा करके? भक्तों की सेवा करके हमें बड़ा आनंद मिलता है, शरीर में भी आराम रहता है मैया, और भगवान की बड़ी अपार कृपा होती है, दिमाग में भी शांति मिलती है। आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो मथुरा यहाँ पर आते हैं वो जाहिर तौर पर इस याद को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये खूबसूरत यादें हैं जो लोगों के दिल में बस जाती हैं, लोगों के लिए इस पल को और भी ज्यादा खास बना देती है। और देखिए, सबसे खास यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, मथुरा आते हैं, यहाँ की होली मनाते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग यहाँ पर किस तरीके से राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम कि वो यहाँ की माटी को चूमते हैं, यहाँ की माटी को अपने साथ लेकर जाते हैं। होली के उत्सव की धूम अगर आपको देखनी है तो आपको ब्रज क्षेत्र में आना होगा। ऐसी होली आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ लठमार होली से लेकर गुलाल और रंगों की होली आपको अद्भुत एहसास कराएगी, क्योंकि यहाँ होली महज एक त्योहार नहीं बल्कि राधा और कान्हा के करीब लाने का एक माध्यम भी है। मथुरा की होली की अगर बात करें, ये होली अपने आप में बेहद खास है। आपने देखा होगा वृंदावन में, आपने देखा होगा बरसाना में, जहाँ पर श्री कृष्ण की जो किशोर अवस्था है, वहाँ की लीलाएं हुई थी, और वहाँ पर जो होली बनाई जाती है वो उसी की याद दिलाती है। लेकिन बात अगर मथुरा की करें, तो मथुरा वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पर होली मनाने की जो प्रक्रिया है, या होली बनाने का जो एक तरीका है यहाँ पर, वो हमेशा इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से श्री कृष्ण यहाँ पर जन्मे, उनके साथ क्या कुछ हुआ, और कैसे उन्होंने आगे जाकर अपना इतिहास रचा, एक नाम रचा। ये हमारी वो सनातन परंपरा थी जिसे हम होली के जो एक कल्चर सामने आ रहा है उसके साथ कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। आजकल कुछ लोगों की होली अधूरी होती है डीजे नाइट्स के बिना, पब और क्लब के बिना। लेकिन यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि यूथ राधा कृष्ण के प्यार में कितना पागल है, उनकी भक्ति